मैं नफीसुद्दीन सैफी बेगाना हसनपुरी आज भाई साहब के म्यूज़ियम में आया था। हकीकत में इसे देखने के बाद ऐसा लगा कि वाकई अगर आपने वर्ल्ड में गजरौलेकर हसनपुर का नाम रोशन किया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में कम बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड में नाम हुआ है। और ये इनके पास जो जो संग्रहालय में जो जो चीज़ है वो वाकई अगर किसी को देखना हो और किसी को अपनी यादें ताज़ा करना हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 50 साल या 100 साल पुरानी दुनिया में घूम रहे हैं। और ये मेहरबानी है इनकी भाई साहब की। और हैरत की बात है कि हमारे शहर और हमारे हसनपुर के और गजरौला के करीब में होते हुए मैं इससे क्यों महरूम रहा कि बहुत ज़माने के बाद मैंने यूट्यूब पर देखा तो वाकई अच्छा लगा। और मैं एक शेर सुनाता हूँ भाई साहब के लिए कि जी में आता है कि एक बार पलट कर देखूँ जिंदगी कौन सी राहों से गुजर कर आई। यहाँ आके बचपना और जवानी याद आ गई भाई साहब के पास, तो वाकई कि ज़िंदगी कहाँ से गुजर के कहाँ आ गई और आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं, ये बहुत अजीब चीज़ है। भाई साहब की मेहरबानी है। ये कई रेडियो ऐसे था, क्योंकि रेडियो की दुनिया, रेडियो ने जो सफ़र किया है ज़िंदगी का वो बड़ी आसान नहीं है। एक ज़माना होता था बैटरी 8-10 बैटरियाँ लगती थी और एक ही चैनल हुआ करता था। जो भाई साहब के पास एक रेडियो मौजूद है, मैं अगर वक्त लगता तो मैं दिखलाता उनके पास में, तो उसे लेकर के आते थे। एक घंटे का प्रोग्राम आता था बैटरी लगाने के बाद में चार्ज करवाने के लिए, बैटरी भी देहातों में से किसी एक जगह पर लाते थे। हमारे ज़माने में हसनपुर में भी चार्जर नहीं था, वो बैटरी चार्ज करवाने के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता था। वो रेडियो भी भाई साहब के पास मौजूद है। वालों के ऑक्टल के बड़े वाल हुआ करते थे, वालों वाले टेप रेडियो भी इनके पास मौजूद है। फिर उसके बाद छोटे वाल आए थे ECH और ई सीरीज के, वाई सीरीज के, उसके बाद फिर छोटे मिनिमम वाल आए थे, उसके भी रेडियो भाई साहब के पास हैं। उसके बाद में फिर जब ट्रांजिस्टर का ज़माना शुरू हुआ तो वो ट्रांजिस्टर के हिटैची के जो ट्रांजिस्टर आते थे वो भी मौजूद हैं। और आपके पास बुश के, मर्फी के, फिलिप्स के, स्टैंडर्ड के, उसके फंक्शन के, टेलीफंकन के सेट, ग्रैंडिंग जर्मनी के, वो सेट इनके पास मौजूद हैं। कि मुझे ताज्जुब हुआ कि एक सेट तो जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता, लेकिन वो ग्रैंडिंग जर्मनी के सेट भी भाई साहब के पास मौजूद हैगा। फंक्शन इसके टेलीफंकन के सेट जो देखने को नहीं मिलते, स्टैंडर्ड के सेट, वो सारे सेट भाई साहब के पास मौजूद है। हैरत और ताज्जुब की बात थी कि आपने वो संग्रहालय और वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है कि आपको वाकई नाम मिला है। तो इनके लिए मैं ये चाहूँगा कि आपके कोई प्रोग्राम किया जाए तो मैं भाई साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाऊँगा। और हमारी जो संस्था है एक सैफी मिल्लत सैफिया कमेटी, उसमें अवार्ड दिए जाते हैं सैफी अवार्ड। तो अब की बात हम अपने 6 अप्रैल के प्रोग्राम के अंदर अगर टाइम हुआ तो भाई साहब को सैफी अवार्ड से नवाजा जाए। हम अपनी बिरादरी के अपने लोगों से ये कहेंगे कि वाकई आपको जो भी तारीफ की जाए और आपके लिए जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। कि ये एक हिम्मत की और हौसले की बात है कि आपने इतना सब कुछ करवाने के बाद और हम जैसे लोगों के लिए और आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए आपने निशानी छोड़ दी, ये बड़ी बात है आज की तौर पर। ठीक है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दादा जय।